My dear students, good morning to all of you, and I welcome all of you to Panacea Career Institute. आज हम करेंगे जी के एंड करेंट अफेयर्स में 21 सितंबर है, 21 सितंबर तक का सारा करेंट अफेयर्स का अपडेट करेंगे. और इन एडिशन टू दिस मैं कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस भी डाल दिया हूँ. सो इन ऑल देर विल बी 25 क्वेश्चंस टुडे इन दिस वीडियो. क्वेश्चन नंबर वन है आपके सामने, साबरी नाथ हैज रिसेंटली पास्ड अवे, ही वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स. साबरी नाथ का हाल में निधन हुआ है और उनका संबंध इनमें से किस फील्ड से था, एक्टिंग, पॉलिटिक्स, क्रिकेट या फिर मोटर रेसिंग. तो आपका आंसर है ए, एक्टिंग. और साबरी नाथ वॉज ए मलयालम टीवी एक्टर. साबरीनाथ मलयालम टीवी एक्टर थे. और कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेते हैं. केरला सीएम, केरला के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरियारी विजयन और गवर्नर है श्री आरिफ मोहम्मद खान. और केरला के कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का लिस्ट मैंने दे रखा है, चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एराविकुलम नेशनल पार्क, पपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क. ये कुछ नेशनल पार्क है केरला के जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर टू है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस लेटेस्ट रिपोर्ट ऑन एजुकेशन, हाउ मच परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन इंडिया वॉक टू स्कूल. नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के हाल में ही एजुकेशन के रिपोर्ट के अनुसार कितने बच्चे इंडिया में पैदल चलकर स्कूल पहुंचते हैं. तो आपका आंसर है सी, 59.7% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया वॉक टू स्कूल. और उनमें उन 59.7% में गर्ल्स का जो परसेंटेज है वो 62% है और बॉयज़ का परसेंटेज है 57.9% है. एंड द सेकेंड मोस्ट प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज पब्लिक ट्रांसपोर्ट विथ 12.4% ऑफ द स्टूडेंट्स यूजिंग इट. सो 59.7% जो स्टूडेंट्स हैं वो पैदल पहुंचते हैं स्कूल और 12.4% स्टूडेंट्स वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से स्कूल पहुँचते हैं. अब आते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे. इंडिया का जो सेक्स रेशियो है 2011 के जनगणना के अनुसार, इंडिया का जो सेक्स रेशियो है वो है 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, यानी प्रति 1000 मेल्स पे 940 फीमेल्स है. क्वेश्चन नंबर थ्री है, स्पेशल ब्लड बैंक हैज बीन रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड फॉर डॉग एट विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज इन नॉर्थ इंडिया. सो नॉर्थ इंडिया में पहली बार डॉग्स के लिए ब्लड बैंक का स्थापना किया गया है, वह कहाँ पे किया गया है. तो आपका आंसर है बी, यह किया गया है गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस यूनिवर्सिटी लुधियाना. और यह नॉर्थ इंडिया का पहला ब्लड बैंक है डॉग्स के लिए. Which of the following has announced the appointment of actor Ayushman Khurana as the brand ambassador for the soon to be launched SUV model Urban Cruiser? हाल में ही लॉन्च होने वाले SUV model Urban Cruiser के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया है, किस इंडियन एक्टर को चुना गया है. तो वह है आयुष्मान खुराना. आयुष्मान खुराना को चुना गया है. और किस कंपनी ने आयुष्मान खुराना को ब्रांड एम्बेसडर चुना है. आपका आंसर है टोयोटा किर्लोस्कर मोटर, आंसर सी. ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर. टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड एक टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन ऑफ जापान का सब्सिडियरी है जो इंडिया में टोयोटा कार्स मैन्युफैक्चर करती है. और ये है आयुष्मान खुराना जिनको ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है.
भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BHEL हैज अनाउंस्ड इट्स टाई अप विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टू ब्रिंग मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेंस कॉमनली कॉल्ड एग्लेफ ट्रेंस टू इंडिया। यानी BHEL भेल है, वह इनमें से किस कंपनी के साथ टाई अप किया है इंडिया में मोनोरेल यानी मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेंस, जिसे हम एग्लेफ ट्रेंस भी कहते हैं, उसको चलाने के लिए। वह है ऑप्शन बी स्विस रैपिड AG, इसके साथ टाई अप किया है BHEL ने। मैग्लेफ मोनोरेल इज ए सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट सस्पेंड्स गाइड्स एंड प्रोपेल्स व्हीकल्स यूजिंग मैग्नेटिक लेविटेशन, और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चर कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्लोव इज ऑब्टेन फ्रॉम, क्लोव का मतलब होता है लौंग। लौंग जड़ से लिया जाता है, स्टेम से लिया जाता है, बड़ से लिया जाता है या फ्रूट से लिया जाता है। जब आप लौंग को देखेंगे तो पता चलेगा कि वह ना तो रूट से है, ना स्टेम है, ना फ्रूट है, बल्कि वह बड है। सो बड इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आइए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेते हैं। और यह सबसे अधिक पाया जाता है इंडोनेशिया के मालुकू आइलैंड पे, और इंडिया में भी इसे पाया जाता है, और इंडिया में भी पाया जाता है खासकर जो हिली ट्रैक्ट्स पे, पहाड़ी इलाकों में, साउथ इंडिया के जैसे तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द रिंग्स आर फाउंड अराउंड विच ऑफ द प्लैनेट्स, इनमें से किस प्लैनेट के चारों तरफ रिंग देखने को मिलता है। आपका आंसर है सैटर्न, यानी इसे हिंदी में बोलते हैं शनि, सैटर्न यानी शनि। इस प्लैनेट के चारों तरफ रिंग देखने को मिलता है, और सैटर्न इज मोस्टली मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। सैटर्न इतना गर्म है, सैटर्न काफ़ी गर्म है, और सैटर्न जो बना हुआ है हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। और सैटर्न है वह 6th प्लैनेट फ्रॉम द सन है, सूर्य से जब आप काउंटिंग करेंगे तो इसका स्थान है 6th नंबर, 6th प्लैनेट है। और यह जो है सोलर सिस्टम में 2nd लार्जेस्ट प्लैनेट है। जो लार्जेस्ट प्लैनेट है, सबसे बड़ा प्लैनेट है, वह जुपिटर है, और सैटर्न 2nd लार्जेस्ट यानी जुपिटर के बाद सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 8 है, द जॉग वाटरफॉल्स इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द स्टेट्स, 8 का आंसर है सी, जॉग वाटरफॉल कर्नाटका में है। जॉग फॉल्स को हम महात्मा गांधी फॉल्स भी कहते हैं, उसे गिरसप्पा फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है, और यह शरावती रिवर में गिरता है, कर्नाटका के शरावती रिवर में गिरता है, और इसकी हाइट है 253 मीटर्स। जॉग फॉल्स की जो हाइट है वो 253 मीटर्स, यानी 253 मीटर्स से पानी नीचे गिरता है। और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपके सामने, कर्नाटका के कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, मुकाम्बिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीमघाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दारोजी है, दारोजी स्लोथ बियर सेंचुरी है, तारावती वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अयामांगली ब्लैक बक रिजर्व है, और काली टाइगर रिजर्व है। सो दीज आर ऑल द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ कर्नाटका, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है, द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया इज व्हिच डैम, सबसे लंबा डैम इंडिया का कौन सा है। आपका आंसर है सी, हीराकुड डैम इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। हीराकुड डैम वह महानदी पे है और उड़ीसा में है। भाखड़ा नंगल डैम सतलुज रिवर पे है, नागार्जुन सागर कृष्णा रिवर पे है, और कोसी डैम कोसी रिवर पे है, और कोसी रिवर को सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट इन एरिया। तो ये सारे स्टेट्स बहुत ही बड़े एरिया में हैं, दे आर ऑल वेरी लार्ज स्टेट्स इन द कंट्री, बट ऑफ दिज फोर स्टेट्स विच इज द लार्जेस्ट स्टेट। सो आपका आंसर है सी, राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया। और राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर है वो श्री अशोक गहलोत है, और राजस्थान के गवर्नर का नाम है श्री कलराज मिश्रा। और राजस्थान के कुछ रिवर्स है, हालांकि राजस्थान में बहुत कम रिवर्स है, पर फिर भी राजस्थान के कुछ रिवर्स का मैंने लिस्ट दे रखा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर योर नॉलेज। बानस, चंबल, घग्गर हाकरा, शिबी और सॉरी साहिबी, लूनी, माही, काली सिंध और कोठारी, दीज आर द इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ राजस्थान। और इनमें से चंबल राजस्थान का सबसे बड़ा नदी है, और चंबल नदी में जो पानी के सोर्सेस है यह है इसके ट्रिब्यूटरीज, यानी छोटे मोटे नदियों की वजह से इसमें पानी आते हैं, और यह उत्तर की तरफ बहता है और फाइनली जाकर यमुना में मिलता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, विच सिटी ऑफ कर्नाटका इज ग्रोइंग फास्ट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ अस नो द आंसर, एंड इट इज बेंगलोर, बिकॉज जो आईटी है और सॉफ्टवेयर में जो सबसे अधिक ग्रो कर रहा है वह है बेंगलोर है, जो कर्नाटका में है। और बेंगलोर के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, बेंगलोर इज ऑल्सो द हेड क्वार्टर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इसरो, और इसरो का स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 में। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका का सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका ऑप्शन है बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, एंड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, सिर्फ दो ऐसी नदियां हैं कर्नाटका की जो कर्नाटका में ही ओरिजिनेट करती है, यानी कर्नाटका से निकलती है, वो है कावेरी और तुंगभद्रा। कावेरी एक पेरेनियल रिवर है, पेरेनियल रिवर का मतलब होता है वह नदी जो सालों भर बहती है, कभी सूखती नहीं है। और विजयनगर एम्पायर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, और विजयनगर का जो कैपिटल था वह था हम्पी, लेकिन गोदावरी साउथ इंडिया में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। सो कर्नाटका से निकलकर कर्नाटका में ही बहने वाली सबसे लंबी नदी वो कावेरी है, लेकिन जब हम साउथ इंडिया की बात करते हैं तो साउथ इंडिया में बहने वाली सबसे लंबी नदी है गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 13, हु परमिटेड द इंग्लिश टू एस्टेब्लिश द फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। इंडिया में एस्टेब्लिश होने वाली जो फर्स्ट फैक्ट्री थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको परमिशन किसने दिया? तो आपका आंसर है बी, यानी जहांगीर ने दिया, जहांगीर इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई वह 1600 एडी में आई थी अकबर के टाइम में, लेकिन फैक्ट्री सेटअप करने के लिए परमिशन मांगा गया था वह जहांगीर के टाइम में मांगा गया था, और थॉमस रॉय उसको जहांगीर ने परमिशन दे दिया फैक्ट्री सेटअप करने का। और पहला फैक्ट्री सेटअप जो किया गया था वो सूरत में किया गया था, और जिसके लिए परमिशन दिया गया था जहांगीर के द्वारा। जहांगीर पेंटिंग का बहुत ही शौकीन था, और इसीलिए जहांगीर को एक पेंटर किंग के रूप में भी जाना जाता है। और शाहजहां का जो पीरियड था, जिस अवधि में शाहजहां ने शासन किया, उस पूरे पीरियड को एक गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि आर्किटेक्चर के मामले में शाहजहां के समय में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड लोकल विंड। अब कोल्ड लोकल विंड इनमें से कौन सा है? तो सांता आना ईसा हॉट विंड, चिनुक इज ए हॉट विंड, मिस्ट्रल इज ए कोल्ड विंड, और लू इज ए हॉट विंड। ये डिटेल में जानते हैं, सांता आना ये हॉट विंड है और यह कैलिफोर्निया के ऊपर बहता है।
चिनूक भी एक हॉट विंड है और यह नॉर्थ अमेरिका के ऊपर बहता है। मिस्ट्राल एक कोल्ड विंड है और यह आल्प्स और फ्रांस के ऊपर बहता है। और लू हम सब जानते हैं यह एक हॉट विंड है, बहुत गर्म हवा है जो नॉर्थ इंडिया के ऊपर बहता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज मिस्ट्राल बिकॉज दिस इज द कोल्ड लोकल विंड दैट ब्लोस ओवर आल्प्स एंड फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 15 है, द ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून इन इंडिया एक्सटेंड्स फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज। अब एक मैप के सहारे मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आई एम नॉट परफेक्ट इन मैप। अब यहां पर जो साउथ वेस्ट मॉनसून है यहां से चलती है, यहां पे आती है, और यहां पर जो मॉनसून है वह सीजनल मॉनसून होता है, वह जून से लेकर सितंबर मिड तक होता है। तो जून से लेकर सितंबर मिड तक होता है यानी कितने दिन हो गए, 90 प्लस 15 यानी 105। तो यहां पर 100 to 120 होगा, यानी दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। द ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून इन इंडिया इट में एक्सटेंड, या 120 से कम यानी 100 से कम भी हो सकता है, 100 से ज्यादा भी हो सकता है। सो इट में एक्सटेंड अप टू 120 डेज। सो जो मॉनसून का जो पीरियड होता है इंडिया में वो 100 से 120 डेज होता है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो मॉनसून पीरियड इन इंडिया इज सीजनल एंड इट अकर्स बिटवीन जून एंड मिड सेप्टेम्बर। तो मिड सेप्टेम्बर के बीच, जून और मिड सेप्टेम्बर के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 16, द राइट टू फूड सिक्योरिटी इन इंडिया इज अ व्हाट। इंडिया में राइट टू फूड, भोजन का अधिकार, सिक्योरिटी क्या है। यह एक फंडामेंटल राइट है। सबसे पहले मैं बता दूं, दिस इज अ फंडामेंटल राइट। द राइट टू फूड सिक्योरिटी इज अ फंडामेंटल राइट। योर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स हैव सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। आर्टिकल 21 में दिया गया है राइट टू लाइफ, यानी जीवन जीने का अधिकार, यह आर्टिकल 21 में है कॉन्स्टिट्यूशन के। आर्टिकल 39A में है पॉलिसी फॉर एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट को यह आर्टिकल 39A के तहत निर्देश दिया गया है कि आप ऐसा पॉलिसी फॉर्म करो जिसके तहत बेहतर जीवन जी सके लोग। और आर्टिकल 47 में भी है, द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इंक्रीज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, यानी इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट द पीपल ऑफ द स्टेट गेट न्यूट्रिशियस फूड। सो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 39A है, आर्टिकल 47 है, यानी इट इज अ फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स लाइक ए फ्यूएल इन द बॉडी। इनमें से ऐसा कौन सा है जो हमारे बॉडी में एक ईंधन का काम करता है। जब कभी भी हम वीकनेस फील करते हैं तो हम क्या लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं। ग्लूकोज से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है शुगर मिलता है। शुगर से हमें क्या मिलता है, वी गेट कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट एक्ट्स लाइक ए फ्यूएल इन द बॉडी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज से हमें मिलता है शुगर, शुगर से हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, व्हेन वाज द नालंदा महाविहारा एस्टैब्लिश्ड। आपका करेक्ट ऑप्शन है 1951, ये ऑप्शन आपको मिल गया, दिस इज द करेक्ट आंसर। बट वी विल हैव सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। जो नालंदा यूनिवर्सिटी जो बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था, वह कुमार गुप्त फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो बनाया गया था बिहार का, वह बनाया गया था धर्मपाल के द्वारा। और इन दोनों यूनिवर्सिटीज को बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दिया।
और नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से रीएस्टेब्लिश किया गया 1951 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उसका नाम दिया गया नालंदा महाविहारा यानी महाविहार, और उसको फिर से एक यूनिवर्सिटी के रूप में तब्दील कर दिया गया 2006 में। विच कमीशन सपोर्टेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल नोन एज इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल। कौन सा कमीशन था जिसने इंटर स्टेट काउंसिल को सपोर्ट किया, उस इंटर स्टेट काउंसिल को जिसे हम इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल भी कहते हैं, तो इंटर स्टेट रिलेशन के लिए, इंटर स्टेट रिलेशन के लिए हम जानते हैं सरकारिया कमीशन। तो इट वाज द सरकारिया कमीशन दैट सपोर्टेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल। आपका आंसर है सरकारिया कमीशन। और सरकारिया कमीशन का गठन हुआ था 1983 में। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ बिल्स प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट आर क्लासिफाइड, यानी बहुत सारे कैटेगरीज ऑफ बिल्स पार्लियामेंट में, लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, बिल्स को हम बोलते हैं विधेयक, वे कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या है? तो आपका आंसर है 4, वो 4 प्रकार के होते हैं बिल्स, और वे कौन कौन से होते हैं? तो बिल्स 4 तरह के होते हैं। पहला है ऑर्डिनरी बिल, दूसरा है मनी बिल, तीसरा है फिनांस बिल, और चौथा है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। 4 तरह के बिल्स हैं जो पार्लियामेंट में पेश किए जाते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, उस बिल पे भारत के राष्ट्रपति अपना वीटो पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, यानी भारत के राष्ट्रपति का जो वीटो पावर है वह कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में नल एंड वॉयड है, वह इसका एक्सरसाइज इस पे नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टूल ऑफ आरबीआई, इनमें से कौन सा आरबीआई का मात्रात्मक क्रेडिट नियंत्रण उपकरण नहीं है? मात्रात्मक क्रेडिट नियंत्रण उपकरण कौन सा नहीं है? तो आपका आंसर है बी, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। आते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन लेते हैं डिटेल में। क्वांटिटेटिव टूल्स क्या कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप नोट डाउन कर लेना, जो क्वांटिटेटिव टूल्स है वे है बैंक रेट, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है जिसको बोलते हैं आरआरआर, इसको अगले को बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जिसको बोलते हैं LAF, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, कैश रिजर्व रेशियो CRR, और मार्जिनली स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF, और ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO। ये सारे हैं क्वांटिटेटिव टूल्स। सो जो क्वांटिटेटिव टूल नहीं है आरबीआई का, वो कौन सा है? वह है बी है, दिस मार्जिनल रिक्वायरमेंट इज नॉट अ क्वांटिटेटिव टूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट शुड बी द डिफरेंस ऑफ टाइम बिटवीन द फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड द सेकेंड नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब होता है अविश्वास प्रस्ताव, यानी जब अपोजिशन पार्टी को लगता है कि जो रूलिंग पार्टी है उसके पास पर्याप्त मेजोरिटी नहीं है जिससे वह सरकार चला पाए, तो वह सरकार को गिराने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाती है। और एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया तो दूसरा नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए एक टाइम लिमिट है, और वह जो टाइम लिमिट है वह है 6 मंथ्स का। योर ऑप्शन इज सी। When it is felt that government has no majority to run the government, no confidence motion is floated on the floor of the house and the running government has to prove complete majority. In case of failure, the government falls. जब भी no confidence motion opposition के तरफ से float किया जाता है, तो जो ruling government है उसे साबित करना होता है कि उसके पास complete majority है।
अगर साबित नहीं कर पाता है तो सरकार गिर जाती है और फिर दूसरे पार्टी को ऑफर किया जाता है सरकार बनाने के लिए। अगर वह भी नहीं बना पाती है तो फिर पार्लियामेंट भंग हो जाता है एंड देन री इलेक्शन इज हेल्ड। ट्वेंटी थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज ए लेजिस्लेटिव काउंसिल। सबसे पहले मैं बात बता दूं कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो कोई भी स्टेट कभी भी उसको पूरी तरह से खत्म कर सकता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी एबोलिश्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बाय एनी स्टेट। दूसरी बात है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में नहीं है, तो वे कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है? वे है आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और जे एंड के में भी था, क्योंकि जब से जे एंड के में आर्टिकल 370 स्क्रैप किया गया और जे एंड के का विभाजन किया गया तब से वहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल खत्म हो गया। सो अभी जे एंड के में नहीं है। सो दीज आर द स्टेट्स वेयर लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट। और इस ऑप्शन में कर्नाटका भी है, ऑप्शन में आंध्र प्रदेश है। सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी आर द करेक्ट ऑप्शंस, यानी आपका आंसर होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। अंडर आर्टिकल 169, आर्टिकल 169 के तहत हम कभी भी यानी कोई भी स्टेट एक लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट कर सकता है और उसे पूरी तरह ख़त्म भी कर सकता है, लेकिन कभी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल लोकसभा के तरह डिजॉल्व नहीं होता है, यानी भंग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 24, सी डिजीज इज कॉज्ड बाय द इफेक्ट ऑफ द स्पीड ऑफ शिप। यानी जब भी हम शिप में ट्रेवल करते हैं तो हम एक बीमारी का शिकार हो जाते हैं, उसे कहते हैं सी डिजीज। और वो किस तरह का बीमारी होता है? आपका ऑप्शन है ऑन द इनर ईयर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जब जहाज पानी में चलती है तो जहाज के चलने से जो पानी से आवाज़ उत्पन्न होता है वो हमारे कानों पे पड़ता है और इसके वजह से हमारे कानों में दर्द उत्पन्न होता है और दैट इज कॉल्ड सी डिजीज। द नॉइस कॉज्ड बाय द वाटर कॉजेस पेन टू द इनर पार्ट ऑफ द ईयर, दिस इज कॉल्ड सी डिजीज। Nowadays, milk is not considered a balanced diet because it lacks in. अब आजकल ऐसा पाया गया है कि मिल्क एक बैलेंस्ड डाइट नहीं है। पहले मिल्क को बैलेंस्ड डाइट माना जाता था, लेकिन अब कंसेप्ट चेंज हो गया है लोगों का। अब मिल्क को एक बैलेंस्ड डाइट के रूप में नहीं देखा जाता है। ऐसा क्यों है? मिल्क इज नॉट अ बैलेंस्ड डाइट, इट इज बिकॉज मिल्क में विटामिन सी और आयरन नहीं पाया जाता है। इट लैक्स इन विटामिन सी एंड आयरन। विटामिन सी हमें दूध से नहीं मिलता है और विटामिन सी कहां से मिलता है हमें? विटामिन सी हमें प्लांट से मिलता है। विटामिन सी का जो सोर्स है वो प्लांट है। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। इसके कमी से हमें स्कर्वी होता है। स्कर्वी एक ऐसा बीमारी है जिसके वजह से हमारे गम्स जो है हमारे मसूर है उसमें से ब्लीडिंग होता है। और आयरन होता है हमारे ब्लड, हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसको फॉर्म करने का काम करता है, ब्लड फॉर्मेशन का काम करता है। सो चूंकि विटामिन सी नहीं होता है मिल्क में, आयरन नहीं होता है, इसलिए मिल्क को एक बैलेंस डाइट के रूप में नहीं देखा जाता है। तो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम।